नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ दिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आईएएस अधिकारी पवन कुमार बोर ठाकुर को असम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पवन कुमार बोर ठाकुर जो वर्तमान में असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत है, मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने पर 1 अप्रैल 2024 से रेरा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उनके जगह डॉक्टर रवि कोटा लेंगे जो 1 अप्रैल से मुख्य सचिव का पद संभालेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 10 जलमार्ग परियोजनाओं के विकास के लिए 645 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य असम में क्षमता बढ़ाना और नदी पर्यटन और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रमुख सागरमाला कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार से 100% वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल आज भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा में शामिल होने पर गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं उस पार्टी में शामिल हो रही हूं जिसका सनातन से गहरा संबंध है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भाजपा में शामिल हो रही हूं। बिहार में जेडीयू बीजेपी हमको मिलाकर बनी एनडीए सरकार में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन अपने पास रखा है। वहीं डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त, वाणिज्य, कर, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, खेल जैसे अहम मंत्रालय दिए गए हैं। दूसरे डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा को कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार जैसे मंत्रालय दिए गए। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने शनिवार 16 मार्च को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिंह लोकसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज है। अजय प्रताप सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को सीए के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ओवैसी ने इस कानून के लागू होने पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि सीए और एनआरसी एक अपवित्र गठजोड़ है। सीए के बाद एनआरसी लाया जाएगा जिसके जरिए भारत के मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए खुशखबरी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने फैसला लिया है कि हम सभी रेहड़ी पटरी वाली दुकानों का सर्वे कराएंगे। हम रेहड़ी पटरी वालों के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए भी अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि रेहड़ी पटरी वाले सम्मान के साथ अपना काम कर सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सभी श्रम कानूनों के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। खड़गे ने बताया कि कांग्रेस ने किसान न्याय, युवा न्याय और महिला न्याय के लिए 15 गारंटी की घोषणा की है। राजस्थान में अलवर से कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर किरण सिंह यादव शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यादव के साथ 18 कांग्रेसी नेताओं समेत कुल 35 लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर तेलंगाना के सपनों और आकांक्षाओं को कुचल दिया है। नगर कुरनूल में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज उन्होंने देखा कि तेलंगाना के लोगों ने फैसला कर लिया है कि वे मोदी को तीसरी बार वापस लाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।